ओके सो लेट स्टार्ट विद ए ने टॉपिक दैट इज़ स्केलर इन वैक्टर कोंटिटीज़ सो स्केलर और वैक्टर कोंटिटीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिशन याद होनी चाहिए बेसिक ओ लेवल वाली डेफिनेशन है दैट कंटिन्यू इन एस एस वेल कि स्केलर कोटिटीज है मैगनीटी ओनली हाउ एवर वैक्टर क्वानिटीज़ है मैगनीटूड एंड डायरेक्शन बोथ सिंपल ठीक है उसके बाद आपको क्या याद होना चाहिए उसके बाद आपको कुछ स्केलर कोंटिटीज़ एंड समेक्टर कोंटिटीज़ याद होनी चाहिए इसका मेन पार्ट जो होता है ना दिस चैप्टर का मेन पार्ट जो है वो होता है कैलकुलेटिंग रिजल्टेंट वेक्टर्स एंड दैट इज़ द मेन पार्ट दैट वी विल बी स्टडिंग टुडे एज वेल ठीक है अब रिजल्टेंट वेक्टर्स किस तरह निकालते हैं बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए वैक्टर क्या होता है सो वैक्टर इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाई अ लाइन ठीक है जिसके ऊपर इस तरह से एक एरो एरो का जो पॉइंटेड फेस होता है विच आई एम हाईलाइटिंग विद द ब्लैक मार्क लेट मी जो इन अबिट एरो का जो पॉइंटेड फेस होता है ये वाला फेस दिस इज द हेड ऑफ द वेक्टर और ये जो डाइवर्जिंग एरोज है ना ये वाले ये वाले दिस पॉइंट टूवर्ड द टेल ऑफ द वैक्टर ठीक है वैक्टर की एक हेड होती है एक टेल होती है ठीक है सो आई होप ये हेड और टेल वाला कॉन्सेप्ट वैक्टर का क्लियर हो अब जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं एट अ पॉइंट आई एम हाईलाइटिंग अगेन विद द ब्लैक जो डायग्राम टू में है ठीक है इसको टू लेबल कर देते हैं जब भी दो वेक्टर एक दूसरे से मिलते हैं एट अ पॉइंट जो मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ वी गेट अ रिजल्टेंट वैक्टर ठीक है अब रिजल्टेंट वैक्टर निकालने के एग्जामिनेशन में ए लेवल में दो तरीके होते हैं टू मैथड्स टू मैथड्स ओके फर्स्ट इज स्केल डायग्राम जो कि अभी हम देख रहे होंगे और उसके बाद हम एक और मेथड देखेंगे जो होता है नोमरिकल मेथड तो ये दोनों मेथड्स किस लिए यूज होते हैं ये यूज़ होते हैं रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए कब आते है रिजल्टेंट वेक्टर व्हेन टू वेक्टर्स मीट एट अ पॉइंट हाईलाइटेड इन ब्लैक हेयर ठीक है अब आ जाओ हम स्केल डाइग्राम पढ़ते हैं ठीक है सिंपल अच्छा स्केल डायग्राम पढ़ने से पहले देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर मैक्सिमम रिजल्टेंट वेक्टर अगर आपको कभी भी एम में या एग्जाम में निकालने के लिए आता है तो वो कब होता है जब वेक्टर्स मीट एट जीरो डिग्री ठीक है जब जीरो डिग्री पे मीट करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा दोनों का सम हो जाएगा मिनिमम रिजल्टेंट क्या होता है जब वेक्टर्स मीट एट 180 एट्टी डिग्री वन एट्टी डिग्री में मीट करेंगे तो क्या होगा दोनों का सप्रैक करके जो आंसर आएगा दैट इज माइनस वन ठीक है आई होप इट इज क्लियर एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्केल डायग्राम्स ओके तो स्केल डायग्राम से वेक्टर्स रिजल्टेंट वेक्टर निकालने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए दो चीज़ें क्या याद होनी चाहिए आपको दो प्रॉपर्टीज पैरालेलोग्राम की याद होनी चाहिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है पैरालेलोग्राम की पैरेलेलोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना पैरालेलोग्राम के जैसे लेट सपोज एक्स एंड वाई इनका सम जो है ना वन एट्टी का इक्वल होगा जेड और ए का सम जो है वन एट्टी का इक्वल होगा तो आप ये कह सकते हो कि कोरोस्पॉ एंगल्स इज अ बेटर वर्ड कोरस्पॉ एंगल्स ऑफ अ पैरालेलोग्राम आर इक्वल टू वन एट्टी डिग्री ठीक है एक्स प्लस वाई वुड बी इक्वल टू वन एट्टी डिग्री और ए प्लस जेड वुड बी इक्वल टू वन एट्टी डिग्री सेकेंड प्रॉपर्टी पैरेलेलोग्राम की जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर मूविंग ऑन टू द स्केल डायग्राम इज दैट ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेलेलोग्राम आर इक्वल जैसे डी इक्वल होगा सी के एक्वल होगा बी के ठीक है दो प्रॉपर्टीज आपको पैरालेलोग्राम की याद होनी चाहिए बिफोर मूविंग ऑन टू स्केल डायग्राम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के x प्लस जेड प्लस ए इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री एंड सेकेंड प्रॉपर्टी दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट c इज इक्वल टू d एंड a इज इक्वल टू b मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और कॉरस्पोंडिंग एंगल्स का सम इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री नाउ लेट्स मूव ऑन टू सॉल्विंग रिजल्टेंट वैक्टर्स विद स्केल डाइग्राम ठीक है स्केल डायग्राम पे लेट सपोज आपको दो वेक्टर्स गिवन बने एक फोर न्यूटन का थ्री न्यूटन का और सिक्सटी डिग्री के एंगल पे वो दोनों कनेक्टेड हैं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चों इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालो विथ स्केल डायग्राम तो किस तरह करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी डिफाइनिंग अ स्केल स्केल क्या होता है अब ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है आप थ्री न्यूटन जो है वो ड्रॉ तो नहीं कर सकते फोर्स ड्रॉ तो नहीं कर सकते तो आप न्यूटन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे आप ये कह दोगे वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन न्यूटन इससे होगा ये कि जो थ्री न्यूटन की फोर्स है दिस विल बिकम थ्री सेंटीमीटर और फोर न्यूटन की जो फोर्स है दैट विल बिकम फोर सेंटीमीटर अब यहाँ पे अगर आपको थ्री न्यूटन की जगह थ्री हंड्रेड न्यूटन के पेन होता तो आप क्या करते वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू हंड्रेड न्यूटन तो इसी तरह अकॉर्डिंगली आप स्केल को एडजस्ट कर लोगे अगर आपके पास बिगर वैल्यूज हैं ठीक है थीके? तो लेट्स मूव ऑन टू अर नेक्स्ट स्टेप एक दफ़ा आपने स्केल डिफाइन कर दी तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा टू अप्लाई हेड टू टेल रूल अब हेड टू टेल रूल क्या होता है हेड टू टेल रूल बेसिकली स्टेट्स दैट टू कैलकुलेट द रिजल्ट वैक्टर द हेड ऑफ वन वैक्टर ये देख रहे हो हेड ऑफ वन वैक्टर इज कनेक्टेड टू द टेल ऑफ द सेकेंड वैक्टर और हेड और टेल क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बताया ठीक है थीके? लेट्स रिवाइज इज हेड क्या होता है ये हमने इधर पढ़ा था हेड होता है पॉइंटेड वाला पार्ट और टेल क्या होता है बैकवर्ड वाली चीज़ ठीक है फॉर रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करते हो हेड ऑफ़ वन वेक्टर कनेक्ट करते हो टू टेल ऑफ एन अदर वेक्टर सिंपल ठीक है तो लेट्स कनेक्टेड ठीक है लेट्स कनेक्टेड यहाँ पे अगर आप इनिशियल डायग्राम में देखो तो हेड और टेल जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है टेल जो है फर्स्ट वेक्टर की टेल जो है वो सेकंड वेक्टर की टेल के साथ कनेक्टेड है तो हमें तो ऐसे नहीं चाहिए हमें चाहिए कि फर्स्ट की जो हेड है या दैट सपोज दिस इज़ फर्स्ट वेक्टर इसका हेड जो है इसकी टेल के साथ कनेक्ट हो तो हम क्या करेंगे इस वेक्टर को इधर ले आएंगे सिंपल तो लेट्स ड्रॉ अ डॉटेड लाइन हेयर ठीक है और ये क्या होगा ये फोर न्यूटन ही रहेगा अब ये एंगल क्या होगा दिस एंगल एक्स ये हमें पैरालेलोग्राम की कॉरस्पॉन्डिंग वाली प्रॉपर्टी से पता चल जाएगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम जो है वो 180 के इक्वल होता है 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 एटी x किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री तो ये हमने ड्रॉ कर दिया 120 डिग्री और 4 सेंटीमीटर की और 3 सेंटीमीटर की लाइन भी ड्रा कर दी अब जब आपके पास ये आ गई डायग्राम आप क्या करोगे आप एक लाइन बनाओगे पेंसिल से फ्रॉम पॉइंट ए आपका आता है cm. आप स्केल से मेजर कर लोगे तो ऑब्वियस ही बात है फोर्स है वो सिक्स पॉइंट टू सेंटीमीटर तो नहीं हो सकती सेंटीमीटर में तो यूनिट नहीं होता तो वी विल कन्वर्ट दिस यूजिंग वर स्केल स्केल क्या था वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन न्यूटन ठीक है तो सिक्स पॉइंट टू सेंटीमीटर बच्चों कितने के इक्वल होगा सिक्स पॉइंट टू न्यूटन सिंपल नाउ वी स्टडीड हाउ टू कैलकुलेट रिजल्टेंट यूजिंग स्केल डाइग्राम अब हम पढ़ेंगे रिजल्टेंट वैक्टर किस तरह निकालते हैं यूजिंग नुमेरिकल मैथड जो है ना बच्चों वो दो तरह के होते हैं हेड टू टेल रूल होता है एक और एक रूल होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेड टू टेल रूल देख लेते हैं अब हेड टू टेल रूल हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था स्केल डाइग्राम के लिए कि अगर आपको दो वैक्टर्स गिवेन हो लेट सपोज दिस इज वन एंड दिस इज टू तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो दोनों को कनेक्ट करते हो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल और हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड मस्ट बी कनेक्टेड टू सेकेंड वेक्टर की टेल अभी ऐसा नहीं हो रहा दोनों की टेल जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है सो व्हाट विल वी डू वी विल टेक दिस वेक्टर आइदर अप या वी विल ब्रिंग फर्स्ट वैक्टर टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड कोई भी वैल्यू uh, कोई भी चेंज कर लो इट विल गिव यू द सेम आंसर सो फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे क्या किया इस वैक्टर को इधर ले आया हूँ ठीक है इस वैक्टर को इधर ले आया तो हमारा फोर न्यूटन का वैक्टर इधर आ गया थ्री का इधर आ गया एंड वी गॉट अ रिजल्ट इन फ्रॉम ए टू बी सिंपल ठीक है अब रिजल्टेंट किस तरह कैलकुलेट करोगे बच्चों सिंस दिस इज 90 डिग्री आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट कर लोगे फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अंडर रूट तो 25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 न्यूटन सिंपल और आप हमेशा जब भी वेक्टर का आंसर दे रहे होते हो तो आप उसको एंगल के साथ देते हो ठीक है अब ये वाला एंगल भी आपको बताना होगा विद मैग्नीट्यूड देखो बच्चों ये बात इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ ये याद रखो जब भी रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर दोगे तो यहाँ पे अगर आप मैग्नीट्यूड पे सिर्फ छोड़ दोगे तो आपको सिर्फ हाफ मार्क्स मिलेंगे फॉर फुल मार्क्स आपको ये वाला एंगल भी देना होता है ये वाला एंगल किस तरह निकलेगा विद टैन का रेशो टैन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसमें परपेंडिकुलर क्या है फोर न्यूटन बेस किया है, 3 Simple, 3 किया किया न्यूटन सिंपल सिंपल एंड यू आंसर ऑफ़ अच्छा देखो बच्चों अब एक और बात नोटिस करो कि अगर ऊपर आपने मतलब ये वाला सवाल देखा है तो इसमें जो एंगल्स हैं मतलब जो जिस एंगल पे वैक्टर्स कनेक्ट हो रहा है दैट इज नाइन्टी डिग्री बट दिस वोंट एवर बी द केस मतलब हर दफ़ा ऐसा चीज नहीं होगी कभी कभार ये 90 से अलग भी एंगल होगा तब क्या करेंगे लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल ठीक है सपोज आपके जो वैक्टर्स हैं वो सिक्सटी डिग्री पे कनेक्ट कर रहे हैं ठीक है एंड नाइन्टी uh, डिग्री पे कनेक्ट कर रहे थे तो आपने पैथेगोरस लगाया था और टैन का रेशो लगा के एंगल निकाल लिया था अब सिक्सटी डिग्री पे कनेक्ट करेंगे तो आप क्या करोगे फॉर हेड टू टेल रूल फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट्स दिस इज द फर्स्ट वैक्टर दिस इज द सेकेंड वैक्टर तो फर्स्ट वैक्टर के हेड के साथ इसकी टेल अभी कनेक्टेड नहीं है सेकेंड की तो हम इस वेक्टर को यहां ले आएंगे लेट्स मेक अ डॉटेड लाइन ही ठीक है दिस इज अ फोर न्यूटन अब ये वाला एंगल किस तरह आएगा बच्चों दिस एंगल इज बेसिकली कैलकुलेटेड यूजिंग द कोरोस्पोंडिंग एंगल की प्रॉपर्टी ऑफ पैरालेलोग्राम्सटी प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री तो एक्स क्या हो जाएगा बच्चों एक्स हो जाएगा वन ट्वेंटी डिग्री ठीक है वन ट्वेंटी डिग्री एक्स आ गया थ्री न्यूटन ऐसे लग रही है फोर न्यूटन ऐसे लग रही है बीच में एंगल वन ट्वेंटी डिग्री का तो रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ हो जाएगा ए टू बी सिंपल अब रिजल्टेंट अगर आप देखो बच्चों तो आप पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकाल सकते क्यों नहीं निकाल सकते क्योंकि ये नाइन्टी डिग्री का एंगल नहीं है दिस इज वन ट्वेंटी डिग्री का एंगल तो आप क्या लगाओगे कोसाइन रूल अब कोसाइन रूल किस तरह लगता है आपने होपफुली एस मैथ में पढ़ा होगा लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो कोसाइन रूल लगाने के लिए यू मस्ट हैव एटलीस्ट टू साइड्स एन एंगल तो हमारे पास टू साइड्स एन एन एंगल है येस yes, हमारे पास एंगल है टू साइड्स एन एन एंगल लेट मी पैन दिस अप टू साइड्स है थ्री न्यूटन फोर न्यूटन है और एक एंगल है तो हमारी थर्ड साइड निकल आएगी रिजल्टेंट की बिल्कुल निकल आएगी फॉर दिस पर्पज इज कोसाइन रूल यूज ए जो है हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा बी फोर न्यूटन सी थ्री न्यूटन और ए एंगल क्या हो जाएगा एंगल वन ट्वेंटी डिग्री तो ये हमने प्लग इन की वैल्यूज और हमारे पास रिजल्टेंट आ गया अब मैंने पिछले सवाल में भी आपको बताया था कि वेक्टर के क्वेश्चंस में आप सिर्फ मैग्नीट्यूड पे अगर आंसर छोड़ दोगे तो आपको सिर्फ हाफ मार्क्स मिलेंगे ठीक है हाफ मार्क्स मिलेंगे यहाँ तक आपको एंगल भी बताना होगा हमेशा अल्फा अब अल्फा किस तरह निकालोगे अल्फा टेन के रेशियो से तो निकाल नहीं सकते क्योंकि ये राइट एंगल टाइंगल नहीं है तो अल्फा के लिए आप क्या करोगे आप अप्लाई करोगे साइन रूल देखो साइन रूल अप्लाई करोगे अब साइन रूल किस तरह अप्लाई करोगे साइन रूल बेसिकली के साइड बी डिवाइडेड बाई बेसिकली ये ए बी सी जो है ना वो लेंथ है ठीक है लेंथ है तो स्मॉल में जो भी हैं वो लेंथ हैं ये देखो ए बी सी ये लेंथ है कैपिटल में जो है वो एंगल हैं तो साइन रूल बेसिकली क्या करता है रेशियो दे देता है लेंथ और एंगल का तो क्या हमें एक साइड के पूरे एंगल्स और लेंथ पता है देखो अगर मुझे रिजल्टेंट पता हो जाता है दैट इज़ सिक्स पॉइंट सिक्स एट टू सेवन तो मैं ये कर सकता हूँ कि सिक्स पॉइंट सिक्स एट टू सेवन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ वन ट्वेंटी इज इक्वल टू एल्फ़ा निकालना है तो इसका ऑपोजिट साइड कौन सी है फोर न्यूटन डिवाइडेड बाय साइन एल्फ़ा तो एल्फा आ जाएगा मेरे पास इजीली क्योंकि एक ही एन है पूरी इक्वेशन में इजीली आ जाएगा तो इस तरह साइन रूल लगा के हम एल्फ़ा भी निकाल लेते हैं और वह एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कर लेते हैं बाय गिविंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द एंगल ये देखो यहाँ पे अप्लाई किया हमने साइन रूल दैट इज आर डिवाइडेड बाय साइन 120 ट्वेंटी इज इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाय साइन अल्फा ठीक है और हमारे पास एंगल क्या आ गया थर्टी फोर पॉइंट सेवन डिग्री विद द हॉरिजोंटल सिंपल नाउ लेट्स अप्लाई द पैरल रूल पैरल रूल इज बेसिकली ऑल्सो वेरी वेरी सिमिलर टू द हेड टू टेल रूल बस इसमें डायग्राम जो है ना वो अलग बनती है ठीक है अब देखो हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हेड टू टेल रूल से इन्हें कनेक्ट किया हेड टू टेल रूल से कनेक्ट करने के लिए मैं इस एंगल को यहाँ पे ले आया ठीक है थीके? तो ये वाला एंगल वापस क्या हो जाएगा 120 ट्वेंटी लेट मी मेक इट ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाइए लेट सी के जो हमारी ड्राॅइंग है वो इस तरह बन रही है ठीक है तो ये एंगल क्या हो जाएगा वन ट्वेंटी सिंपल और ये क्या हो जाएगी फोर न्यूटन सिम्पल यही हमने बनाया थ्री न्यूटन फोर न्यूटन एंड वी गॉट अ रिजल्टेंट फ्रॉम ए टू बी सिंपल अब इसके जो एंगल हैं रिजल्टेंट सॉरी इसका जो रिजल्टेंट है वो किस तरह निकलेगा सिंस वी नो टू साइड एन एन एंगल तो रिजल्टेंट किस तरह निकलेगा थर्ड साइड किस तरह निकलेगी कोसाइन रूल से एल्फा किस तरह निकलेगा सिंस वी नो वन साइड एन द एंगल और एक साइड का एंगल निकालना है उसकी लेंथ गिवन है, तो क्या लगेगा साइन रूल सिंपल साइन और कोसाइन रूल लगा के आप एंगल और मैग्नीट्यूड निकाल लोगे सिंपल दिस वाज रियली इजी क्वेश्चन ठीक है हमने हेड टू टेल रूल से भी देख लिया और पैरल रूल से भी देख लिया सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ द स्केलर एंड वैक्टर्स का टॉपिक इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी सींग एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज